हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्राइनिंग एवरीडे में। आज मैं आपको सहजन की सब्जी बनाना बता रही हूँ। सहजन देखने में तो इस तरह से होता है, लेकिन इसे छीलकर और तोड़कर इस तरह से बना देते हैं। ये छीलकर तोड़ा हुआ है या धोया हुआ है। इसके बनाने के लिए सबसे पहले तो सहजन चाहिए, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, और ये है काली मिर्च और जीरे का पाउडर, और ये है सरसों या राई का पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, तेल। ये पेस्ट, ये पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच ये पाउडर जो सरसों का पाउडर है, और ये 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, और धनिए का भी 1/2 चम्मच ये पाउडर दी, और लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, और ये 1/2 चम्मच। ये सारी पेस्ट को, सारे पाउडर को इसमें सब्जी में यूज होता है, और नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अब मैं आपको इसे तोड़कर और छीलकर बताती हूँ कि आपको कैसे तोड़ना और इसे छीलना है। अगर आप इसे तोड़कर उस तरह से नहीं छीलेंगे जैसे हम बताएंगे तो आपका सब्जी अच्छा नहीं बनेगा। इसे छीलना जरूरी होता है। कितने लोग इसे छीलना नहीं जानते हैं, इसे इस तरह से छील दिया जाता है। अगर आप इसे नहीं छीलेंगे तो ये खराब हो जाएगा। कितने लोग इसका सब्जी भी बनाना नहीं जानते हैं और ना छीलना जानते हैं, इसलिए मैं आपको छील कर बता रही हूँ। इस तरह से आप इसे तोड़ दें और फिर से इसे इसी तरह से छील लीजिए। छीलने पे आपको इस तरह का निकल जाएगा, जिसे फेंक देना है। और इसी तरह से आप सारे सहजन को छील लीजिए और तोड़ कर इसके बाद धो लीजिए। इसके तड़के के लिए ये 5 फोरन का जरूरत पड़ता है। 5 फोरन इसमें सरसों है, जीरा है, सौंफ है, कलौंजी है और मेथी है। ये सब मिलाकर, ये 5 तरह के मसाले मिलाकर इसे 5 फोरन बनाया जाता है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं तेल ऐड करूंगी। तेल ऐड करने के बाद इसमें मैं फोरन डालूंगी। अब हम इसमें तड़का, जो फोरन होता है, टेम्परिंग क्रेकर, वो क्रैक होने लगेगा, होने लगा है। अब ये चटक चुकी है, अब मैं इसमें सहजन डाल रही हूँ। सारे सहजन को डालने के बाद अब मैं चला रही हूँ और इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी। इसे ड्रम स्टिक भी कहा जाता है और हिंदी में लोग सहजन कहते हैं। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ सांभर बनाने में इसका प्रयोग होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा एवरी डे वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीजन में ही खाया जाता है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिए। नमक ऐड करने के बाद इसे भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये एक औषधीय पौधा भी होता है और इसके फूल का पकौड़ा बनाया जाता है।
अब हमारा सहजन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। मसाले की क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया है और वो सारे मसाले को मैं मिक्स करके रख चुकी हूँ। अब मैं इसे ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मसाला भूनूंगी। जब मसाला पूरे तरीके से भून जाएगा तब पानी ऐड करके इसे पकाऊंगी। देखिए हमारी सब्जी का मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अब पानी ऐड करने के बाद इसे ढककर पकाऊंगी। मैंने सब्जी में पानी ऐड कर दिया है। जब ये पक जाएगा तो इसे गैस को बंद कर दूंगी और हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब हमारी सब्जी पक चुकी है। अब मैं इसे सर्व करके बताती हूँ। ये हमारी सब्जी है जो सहजन की सब्जी है जो बन चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो नया वीडियो बनाएं आप तक डायरेक्ट चला जाए। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें सहजन का सब्जी बनाना। और जो भी हम बताते हैं वो भी अगर आपका कोई सुझाव है तो आप उसे लिखकर बताएं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके फरमाइश को जल्द से जल्द पूरा करेंगे।